साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों आज मैं आपको नींबू के दो बहुत ही खास और चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं। वैसे तो इस प्रयोग को कहा गया है कि एक बार में ही काम हो जाता है, लेकिन अगर एक बार में काम नहीं होता है तो तीन बार यदि कोई जातक इस प्रयोग को कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर आपका कोई ऐसी परेशानी है जो जिंदगी का हिस्सा बन गई है तो उसको भी आप इस प्रयोग से दूर कर सकते हैं। या कोई आपकी ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी कोई मनोकामना है जो आपको लगती है कि असंभव है तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो सकती है। काफी लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर प्रॉपर्टी संबंधित, भूमि भवन संबंधित बिकने के लिए कुछ उपाय बताएं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें विदेश जाने के योग नहीं बन रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि शादी के योग नहीं बन रहे हैं। तो ऐसी कोई भी परेशानी है या फिर कर्ज मुक्ति के योग नहीं बन रहे हैं तो कोई भी परेशानी दोस्तों आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी, इस प्रयोग को आप करिए, 100% आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और कोई अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है तो वो जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहली बात आती है श्रद्धा और विश्वास की, क्योंकि मिरेकल जो होते हैं, चमत्कार होते हैं, आपका खुद का विश्वास करता है। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहा करें, सकारात्मक सोच रखा करें। दोस्तों नींबू जो होता है, या आपने देखा होगा कि तंत्र मंत्र सब जगह इसका यूज किया जाता है, क्योंकि नींबू के अंदर जो होती है नेगेटिविटी को सोखने की, या कोई दोष रहता है उसको सोखने की, परेशानियों को दूर करने की प्रकृति ने एक बहुत ही दैवी गुण प्रदान किया है। और मैं नींबू का आपको बहुत ही खास और एक अचूक उपाय बताने वाला हूं, ठीक है? तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों शेयर करना ना करना ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मेरे तक कोई जानकारी होती है तो मैं आप लोगों तक शेयर इसलिए करता हूं कि आप लोग इसका लाभ प्राप्त करें, और जब आप लोग इस रेमेडी को करते हैं तो उसका लाभ मुझे भी प्राप्त होता है। तो आप लोग यदि इस जानकारी को किसी और तक शेयर करेंगे, जरूरतमंद तक, तो जब वो इस रेमेडी को करेगा तो उसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह शेयर करें ताकि सब लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके, है ना दोस्तों? तो पहला प्रयोग दोस्तों जो है ये आपको, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है, एक बार में एक परेशानी के लिए आप करेंगे तो एक फ्रेश नींबू ले लें, ठीक है, रस से भरा हुआ एकदम पीला नींबू होना चाहिए, उसको आप ले लें। सीधे हाथ में आपको रखना है, ठीक है, जैसे ये नींबू है आपने सीधे हाथ में रखा, उल्टा हाथ उसके ऊपर रख करके महादेव का ध्यान करना है, ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें और आपको ये बोलना है कि मेरी ये परेशानी हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़े। मेरी ये परेशानी, तीन बार बोलेंगे, जो भी परेशानी आपको वो बोलना है कि ये परेशानी कर्ज की समस्या है तो कर्ज से मुझे मुक्ति मिल जाए, तीन बार बोलेंगे, या जो भी परेशानी है वो तीन बार आपको बोल देना है, ठीक है। तीन बार बोलने के बाद में नींबू को आपको सीधा नहीं काटना है, ऊपर से नहीं काटना है, ठीक है। सीधा नींबू जो काटते हैं वो बलि स्वरूप चढ़ता है, तो आपको क्या करना है, आड़े में दो पीस करेंगे, फिर चार पीस कर लेंगे। चार पीस करने के बाद में आपको क्या करना है, सीधे घर से निकलना है। दो राहा मिलता है, चौराहा मिलता है या तिराहा मिलता है। चौराहा मिलता है तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो इन चार नींबू की कली को आप हाथ में लेकर के और सीधे चौराहे में चले जाएंगे। रात्रि में करना है, शनिवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं, बुधवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं, रविवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं, सूरज ढलने के बाद इस प्रयोग को करना है, ठीक है। चारों कलियों को लेकर के आप चौराहा तिराहा में चले जाइए। वहां पर ले जाने के बाद में एक कली जो होगी आपको अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ तरफ फेंक देंगे, फिर दूसरी जो होगी उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ फेंक देंगे, और एक जो होगी पीछे फेंक देंगे। अब लास्ट वाली जो बचेगी तो आपको डायरेक्ट सामने नहीं फेंकना है, क्योंकि आपके सामने आ जाएगी, है ना, तो आपको उसको सीधे हाथ में रखना है और आप जब पीछे पलट के नहीं देखना है आपको, जब मतलब जब इस प्रयोग को करेंगे तो अपने घर तरफ मुख रखेंगे और जैसे आप घर की तरफ निकलने लगेंगे तो उसको नीचे छोड़ देंगे और अपना सीधा घर आकर हाथ पैर धो करके दूसरे काम में लग जाएंगे। ये प्रयोग एक बार में ही रिजल्ट देता है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपके कर्मास कुछ ऐसे हैं या कुछ दोष है, ग्रह दोष है,
ग्रह अनबैलेंस है या कुछ भी ऐसा होगा, तो 3 बार इस प्रयोग को करने के लिए कहा गया है कि 3 बार में 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है, कोई भी परेशानी होगी दूर हो जाएगी आपकी। तो 3 शनिवार इस प्रयोग को आप, या 3 बुधवार इस प्रयोग को, या 3 रविवार इस प्रयोग को आप दोहरा दीजिए, एक बार में एक परेशानी के लिए, ठीक है। अब दूसरा प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। आपकी कोई खुद का जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, या फिर विदेश जाने की यात्रा की योग नहीं बन रहा है कि विदेश जाना है, वीजा नहीं आ रहा है, उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपकी भूमि वन संबंधित कोई परेशानी है जो बिक नहीं रही है प्रॉपर्टी, उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 लौंग लेनी है फूल वाली, और 1 नींबू लेना है आपको पीला रस से भरा हुआ, शनिवार, सिर्फ शनिवार के दिन इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 लौंग जो आप ले लेंगे फूल वाली, ठीक है, उसको सीधे हाथ में रख के आपको 1 लौंग लेंगे, 6 लौंग आप पहले कहीं रख देंगे, 1 लौंग उठाएंगे और आपकी जो मनोकामना है 1 लौंग का हाथ में रखेंगे सीधे हाथ में, ठीक है, उल्टा हाथ उसमें रख देंगे, और आपको 3 बार अपनी 1 मनोकामना बोलनी है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। दोस्तों कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर टेक्निक करते हैं तो उसको प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है, क्योंकि आप ये प्रकृति तक यानी कि कुदरत तक अपना मैसेज भेज रहे हैं कि हमें इस चीज की नीड है, हमें इस चीज की जरूरत है। प्रकृति दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो देने के लिए तैयार ना हो, लेकिन हमारा पॉजिटिव मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे प्रकृति को ये पता चलेगा कि आपको इस चीज की नीड है ना। तो आपको 1 लौंग सीधे हाथ में रखनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है, 3 बार बोलनी है। सपोज आपको आपकी इतनी सैलरी की इतनी जॉब चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे मेरी 20,000 सैलरी की जॉब मिल गई है, मुझे मेरी 20,000 सैलरी की जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। तो ये आपको 3 बार बोलना है 1 लौंग में, 1 लौंग रख देंगे, फिर 2 लौंग उठाएंगे उसमें भी ये बोलेंगे, फिर 3, फिर 6 लौंग में आपको ये पढ़ करके और रख देना है। अब नींबू जो आपने लिया हुआ है, नींबू में आपको क्या करना है, 6 छेद करने हैं, 1 ऊपर 1 नीचे, 1 यहां 1 यहां 1 यहां और 1 यहां, ठीक है, 6 छेद हो जाएंगे। 1 1 लौंग उठाएंगे, इसमें आप दबा देंगे सब जगह, 6 जगह। अब दबाने के बाद में फिर से आपको नींबू को हाथ में लेना है, मुट्ठी बंद करना है, ठीक है, उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ रख के मुट्ठी बंद करके 3 बार फिर से वही मनोकामना आपको दोहरा देनी है। और दोहराने के बाद में घर में कहीं ऐसी जगह इस नींबू को आप रख देंगे जहां पर आपके अलावा किसी की भी नजर नींबू पर ना पड़े, सिर्फ आप बस देख सकते हैं। इसको बहुत ही सीक्रेट तरीके से करना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो लक्ष्य होगा, आपका जो गोल्स होगा, इसके आउटसाइड में एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई और इसको देखता है तो डिस्टर्बेंस होगा, तो आपको किसी को भी बताना नहीं है, बिल्कुल गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से इस रेमेडी को करना है, ठीक है। कहीं भी इसको लुका करके रख देंगे, और शनिवार से शनिवार तक आपको 7 दिन तक इस नींबू को वहीं रखे रहने देना है, और एक टाइम फिक्स कर लेना है कि आज आपने जैसे आज आपने रेमेडी कर ली, अब कल से आपको स्टार्ट करना है, कल सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितने भी टाइम, एक बार फिर से 3 बार इसमें आपको वही विश बोलनी है देख करके। तो कल आपने कितने बजे, आज आपने रेमेडी की, कल आपने 3 बजे बोला, तो परसों भी आप 3 बजे बोलेंगे, ऐसे शनिवार तक आपको 3 बार उस नींबू को देखते हुए अपनी विश बोलनी है। 4 बजे अगर बोला है तो डेली 4 बजे शनिवार तक वो विश बोलेंगे, 5 बजे बोले हैं तो 5 बजे कंटिन्यू, मतलब कि एक ही टाइम पे, टाइम का विशेष ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि ये यहीं पर वर्क करेगी। एक ही टाइम पे जब आप बार बार वहां पर एनर्जी देंगे तो ये बहुत ही पावरफुली वर्क करेगा, ठीक है। अब शनिवार जब हो जाता है, आपका फर्स्ट शनिवार आपने किया, अब सेकंड शनिवार जब आ जाता है, तो जब तक वो नींबू क्या होगा, सूख चुका होगा, तो इसको उठा करके किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखाएं अपनी मनोकामना बोलते हुए, या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर बरगद वृक्ष के नीचे रखाएं। दोस्तों एक बार में ही रिजल्ट मिलता है इसका, लेकिन ये शास्त्रों में ये भी कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में, कि अगर कुछ ग्रह अनबैलेंस होते हैं या कुछ ऐसे हमारे कर्माज होते हैं जिसके कारण कुछ बैलेंस होने में टाइम लग जाता है, तो 3 शनिवार अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो 100% आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितनी भी बड़ी मनोकामना है, पहाड़ जैसी मनोकामना है, तो वो भी पूरी होगी, बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में, एक अटूट दृढ़ संकल्प के साथ में कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है, ये सोच करके और इस प्रयोग करके देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का चमत्कारिक रिजल्ट आता है। और मैं हमेशा आप लोगों के सामने ऐसी ही जानकारी प्रसारित करता हूं जो बहुत ही अचूक उपाय होते हैं। आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि कितने लोगों की 2-2 दिन में रिजल्ट मिला है। और दोस्तों आप जब अपने अनुभव शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, एक उत्साह बढ़ता है कि और भी इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करें। तो
तो आप लोगों को यदि रिजल्ट मिलता है तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करते हैं तो और लोग भी जब देखते हैं तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उनका विश्वास मजबूत होता है, और वो लोग भी जब उपाय करते हैं तो उनको भी रिजल्ट अच्छा आता है। तो सबसे बड़ी बात आती है विश्वास की, पूरी आस्था और विश्वास के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में इस प्रयोग को करिए, फिर देखिए आपकी जो भी मनोकामना है 100% पूरी होगी। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।